चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सर। दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ जी। जो वो थ्री इमेजेस वाला केस था, उसमें तीनों की फोकल लेंथ अलग अलग थी, तो सर करते हैं तीनों। अक्षित अक्षिता, कल कल करते हैं इसको डिस्कस, ओके ठीक है, एक बार, या तो फिर क्लास के बाद करते हैं एक बार। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, द माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप्स, ये दो चीजें हम करेंगे। इससे पहले एक और टॉपिक आता है, दैट इज ह्यूमन आई, जो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ रखा है, बट 12th के वो सिलेबस में है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है, तो वो आता नहीं है सिलेबस में, है नहीं, कटा हुआ है, तो इसलिए वी आर स्किपिंग दैट टॉपिक, राइट। तो इसलिए वी आर मूविंग टू द लास्ट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स करेंगे एंड टेलीस्कोप्स करेंगे। माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप का अर्थ समझाने की जरूरत है, या पता है तुम लोगों को, सुने हैं नाम? पता है सर। पता है, बिल्कुल पता है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होता है? सर मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, करेक्ट। वो जो उनके पास होता है, जैसे ज्वेलर्स हो गए या वॉच रिपेयर वाले हो गए, है ना, उनके पास जो होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, दैट इज सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का काम क्या है, काम करता क्या है माइक्रोस्कोप, जरा बताओगे? सर छोटी चीजों को बड़ा कर देता है। छोटी चीजों को बड़ा कर देता है। क्या वो चीज को बड़ा कर देता है? सर इमेज को नजदीक ले आता है, शायद नजदीक ले आता है। अच्छा, पक्की गल है? यही होता होगा सर, या फिर मैग्नीफाई कर बड़ी घूमती है। चलो उससे पहले ना, हम इस छोटा नहीं बड़ा करता, हम में अपीयर वो मैग्नीफाइड होता ऑब्जेक्ट। ओके, उससे पहले ना एक बेसिक चीज समझते हैं हम, आंख के बारे में, आंख की एक बेसिक सी प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं कि अपनी जो आई है उसको कोई ऑब्जेक्ट, आई को कोई ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा या बड़ा क्यों दिखता है? क्यों दिखता है? सपोज आई हैव एक पेन है मेरे पास, सपोज मार्कर पेन है, सपोज लेट्स से, राइट, तो एक मार्कर पेन, दिस इज दी आई, या यूं समझ लो बिल्डिंग है, चलो मार्कर पेन बिल्डिंग की बात कर लेते, थोड़ा विजुलाइज करना और आसान हो जाएगा। बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पास जाएंगे तो ये बिल्डिंग है, हम यहां से देख रहे हैं इस बिल्डिंग को, तो बिल्डिंग मेरे को बहुत बड़ी दिख रही है, हाँ के ना? लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा क्या होगा, यही बिल्डिंग, यही बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग, अगर मैं आंख इधर ले गया, आंख इधर ले गया मतलब मैं खुद इधर चला गया, अकेली आंख इधर ले गया, तो क्या है, अब मेरे को ये बिल्डिंग छोटी नजर आएगी, क्या बिल्डिंग के साइज में फर्क आया? क्या बिल्डिंग के साइज में फर्क आया? नहीं आया। लेकिन एक्चुअली फर्क किस में आया? फर्क आया है द एंगल मेड, एंगल सबटेंडेड बाय दिस बिल्डिंग इन ऑन द आई। इस बिल्डिंग ने अभी एक छोटा एंगल सबटेंड किया यहाँ पे आई में, दिस एंगल अल्फा और दिस एंगल बीटा, इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? बीटा। बीटा, बीटा एंगल बड़ा है, बीटा। तो एंगल बीटा बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज हमें बनेगी आई के अंदर वो भी बड़ी बनेगी। इसको थोड़ा और, आई के अंदर एक चीज होती है रेटिना पीछे, हाँ के ना, सुना है? हाँ जी सर। रेटिना पे क्या बनती है? इमेजेस, ठीक है। तो एंगल, अब एंगल्स की चर्चा हो रही है, रेटिना होता है हरदा जो पीछे, यहाँ पे स्क्रीन होती है जो आई की पीछे, जहां पे इमेजेस बनती हैं और वो वहां वहां से सिग्नल जाता है ब्रेन, ब्रेन ब्रेन की तरफ, ठीक है, यहाँ पे होती है। ओके, तो क्या है, अगर एंगल की बात हो रही है, एंगल छोटा है तो यहाँ पे इमेज बनेगी ये छोटी, एंगल और बड़ा हो, एंगल ज्यादा बड़ा हो गया तो यहाँ पे इमेज बनेगी बड़ी, जितना एंगल बढ़ता जाएगा इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, जितना एंगल छोटा होता जाएगा, छोटा कर दो एंगल और इमेज का साइज और छोटा होता जाएगा।
तो यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो छोटा से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे होता जा रहा है, जिसकी वजह से आई को ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा या छोटा प्रतीत होता है। ऑब्जेक्ट का साइज तो उतना ही है लेकिन वो बड़ा या छोटा प्रतीत होता है। जैसे बिल्डिंग, बिल्डिंग जितनी पास आके देखेंगे एंगल ज्यादा सबटेंड होगा अंदर, आई के अंदर उतनी बड़ी इमेज बनेगी और उतनी ज्यादा ही वो हमें बड़ी अपीयर होगी। दूर जाएंगे तो एंगल छोटा होता जाएगा, इमेज छोटी बनेगी तो हमें छोटी अपीयर होगी। तो ये खेल है सारा, क्या है ये सारा खेल है। बिल्कुल सुमित कुमार, इन्वर्टेड ही बनेगी। अरे भाई इन्वर्टेड इमेज, सुमित कुमार जरा अनम्यूट हो। हाँ जी सर। अपने को ये जो इमेज दिख रही है, हैं? हाँ जी हाँ जी। ये रेटिना पे बन रही है? यस सर। जो दिमाग इमेज पढ़ पाता है वो कहां से उठाता है? रेटिना से उठाता है, आगे ना। अब रेटिना पे जो चीज नहीं बनी क्या वो दिमाग तक पहुंचेगी? नो जी। नहीं, रेटिना क्या चीज है? एक स्क्रीन है। क्या चीज है? स्क्रीन। स्क्रीन है। जो इमेज स्क्रीन पे बने वो वर्चुअल होती है या रियल होती है? रियल। रियल होती है, बिल्कुल सही बात। और रियल इमेज क्या बनती है? इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड, बिल्कुल सही बात। ओके, समझ गया। ठीक है, तो किसका खेल है सारा ये? किसका खेल है? एंगल का। किसका खेल है? एंगल का। अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप से स्टार्ट करते हैं। अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो करता क्या है? अरे वो एंगल बढ़ाता है। क्या करता है वो? एंगल बढ़ाता है। ठीक है, तो मान लें मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसको मुझे देखना है। और लेट्स से आई जो है वो यहां पड़ी है, पड़ी नहीं है, है यहां पे। ठीक है, अब यहां से ये एंगल सबटेंड करेगा, एक ये एंगल बन गया आई पे। ठीक है जी, तो इसने एंगल कितना बनाया? ये बनाया कुछ एंगल, कितना बनाया? ये एंगल बन गया, हाँ के ना? हाँ जी सर। है ना, इस पहले ये ऑब्जेक्ट पड़ा था दूर, यहां पड़ा था, इसको मैं पास ले आया। जब दूर पड़ा था तो एंगल छोटा बन रहा था, मैं इसको पास ले आया, यहाँ आ गया, एंगल थोड़ा सा बढ़ गया, हाँ के ना? और पास ले आया, और एंगल बढ़ गया, और पास ले आया, और एंगल बढ़ गया, और पास ले आया, और एंगल बढ़ गया। तो मुझे अगर, अरे ऑब्जेक्ट जो नहीं दिख रहा उसको देखना है तो पास लेते हो, लेते हो, लेते हो, लेते हो, एंगल बढ़ा लो। अपने को माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत पड़ गई? माइक्रोस्कोप की क्या जरूरत पड़ी? ले आओ उसको, जितनी मर्जी पास ले आओ, मर्जी है। वो होते है ना कि आई 25 सेंटीमीटर के पहले नहीं देख सकती। बिल्कुल सही बात। अरे 25 सेंटीमीटर एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है कि नहीं होता? ऐसा नाम सुना है कभी, 25 सेंटीमीटर? यस सर। उस वहां तक क्लियर दिखता है ना आई को, उससे और पास ले आएंगे तो क्लैरिटी में जो है वो क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, तो वहां पे हमें नहीं दिख पाता क्लियरली। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है हम कितनी पास लेके आ सकते हैं भाई? ज्यादा नहीं लेके आ सकते, सिर्फ डी तक लेके आ सकते हैं। इससे पास लेके आएंगे तो क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज जाएगी। तो भाई इतना ज्यादा से ज्यादा एंगल बन सकता है, इतना ज्यादा से ज्यादा एंगल बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। अब मेरे को एंगल बढ़ाना है तो मैं किसकी मदद लूंगा? किसकी मदद लूंगा? माइक्रोस्कोप की। लेते हैं फिर माइक्रोस्कोप, बनाओ इधर। सिंपल माइक्रोस्कोप बनाएंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है? कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस होता है। बनाओ, ये आया एक कन्वर्जिंग लेंस। अब ये बिल्कुल आई के साथ चिपका लेते हैं ना, तो आंख तो बिल्कुल यहीं पड़ी है साथ में। कहां है आंख? यहां, यहीं है बिल्कुल, जहां पे लेंस है वहीं आंख है। अब ऑब्जेक्ट कहां होता है? बिल्कुल पास ले आते हैं इसको। लेट्स से इसका फोकल लेंथ, इस ऑब्जेक्ट का, इस सॉरी लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, सेम सेम ऑब्जेक्ट है तो इसलिए मैं हाइट सेम बना रहा हूँ। हाइट क्या बना रहा हूँ? बिल्कुल सेम बना रहा हूँ। अरे यार बन जा सीधी ये,
ठीक है, ये बिल्कुल सेम हाइट बना दी, जितनी एच है उतनी एच इधर बना दी। अब ये देखिए कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये ज्यादा कर रहा है आंख पे, जरा इसकी पहले ना वो बना लेते हैं, इमेज कहाँ बनेगी इसकी, कौन सा केस है ये, वर्टिकल वाला। हाँ तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, लेफ्ट साइड फोकस पीछे बनेगी, साथ साथ में फोटो बना लो इसकी, ये बन गई इमेज। ठीक है जी, तो ये बन गई। अब ये जो पहले एंगल बन रहा था, बनाया था इसने थीटा नॉट, अब बना दिया मान लो थीटा, अब कितना बना दिया थीटा, ये अल्फा कुछ थीटा ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली थीटा नॉट ज्यादा है, थीटा ज्यादा है, कौन सा वाला है थीटा, थीटा राइट वाला है और थीटा नॉट लेफ्ट वाला है, थीटा ज़्यादा अंदर वाला ज़्यादा है ना, थीटा ज़्यादा ना, दिस इज थीटा और इधर वाला है थीटा नॉट, तो थीटा ज्यादा है। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को हम बिना लेंस के अपनी आंख के और पास नहीं लेके आ सकते थे, क्यों, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता, तो और पास लाने के लिए मैंने किसकी मदद ली, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब यानी कि बाइकन्वेक्स लेंस की मदद ली, तो मैं बिल्कुल ही अपनी आंख के साथ ले आया उस ऑब्जेक्ट को, लेंस के फोकल लेंथ और मान लो पोल के बीच में, ये ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो एक वर्चुअल इमेज बन गई पीछे, जो कि एक थीटा एंगल सबटेंड कर रही है आंख पे, जो कि ज्यादा है, अब क्योंकि वो ज्यादा है तो उसको वो बड़ा दिखेगा, क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा, तो मैग्नीफाई हो गया कि नहीं हो गया, मैग्नीफाई हो गया लेंस ना ऑब्जेक्ट, राइट सर, पर ये तो वर्चुअल है, बिल्कुल, तो फिर दिखेगा कैसे, दिखेगा कैसे, वो अलग कंसेप्ट है, आंख को दिखता कैसे है वो अलग चीज है, दैट इज स्टडी ऑफ आई एंड दैट इज नॉट अ सिंपल टॉपिक, हाउ डू वी सी थिंग्स वो अलग चीज है। ठीक है, हमें वर्चुअल इमेजेस भी दिखती हैं, वो कैसे दिखती हैं, वो रेज, एक्चुअली वर्चुअल इमेज बनती नहीं है कहीं पे, ये बन नहीं रही, ये बन रही है, नहीं बन रही, ये बनती नहीं है इमेज, है ना, ये तो सिर्फ हमने क्या किया, जो रेज आगे आ रही थी उनको पीछे को प्रोजेक्ट कर दिया, आंख भी यही करती है, अलग अलग पॉइंट से, ऑब्जेक्ट के अलग अलग पॉइंट से हमारे पास आंख में रेज एंटर करती है, तो आंख एज्यूम कर लेती है कि वहां से आ रही होगी। ठीक है, तो रेटिना पे अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग इमेजेस बन जाती है, उनको जोड़ के वो एक फाइनली एक वर्टिकल ना एक फाइनली एक इमेज बना लेती है। ठीक है, दिस इज नॉट द एक्चुअल, इट्स नॉट लाइक अ पिक्चर व्हिच इज, इट्स नॉट लाइक एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्टैंडिंग और उसको हमने देख लिया, नहीं। ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड मैटर, आंख देखती कैसे वो अलग चीज है, बट इमेज जो बन रही है वो पता है हमें बन रही है, जो कि मैग्निफाइड बन रही है। ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इस ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रखा है थीटा एंगल जो बना रहा है, इसको मैं अगर फोकल लेंथ पे रख दूंगा, अगर मैं इसको फोकल लेंथ पे रख दूंगा तो इमेज क्या बनेगी, सर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगी, एंगल छोटा कम हो जाएगा लेकिन मीट ही नहीं करेगी सर कभी अपीयर। हाँ हाँ, तभी तो इन्फिनिटी बोलते हैं, तभी तो इन्फिनिटी बोलते हैं,
एंगल तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, देखो थीटा से एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, थीटा नॉट से तो फिर भी बड़ा रहेगा ठीक है, लेकिन एंगल जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, इन्फिनिटी बनेगा जैसे जैसे इसको पास लेके आते जाएंगे, लेके आते जाएंगे, लेके आते जाएंगे, ये एंगल बड़ा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा ठीक है जी। चलो ये मान लो एच डैश है, इसके दोनों केसेस हम करते हैं, अगर एफ पे रखते हैं तो क्या होगा, अगर एफ पे नहीं रखते तो क्या होगा। दिस इज एच डैश, दिस इज एच, जितना इस लेंस ने मैग्नीफाई किया हमें उतना मैग्नीफाई तो नहीं दिखेगा ऑब्जेक्ट, उससे कम ही दिखेगा ना, जितना लेंस ने मैग्नीफाई किया हमें मतलब उसके जो पहली इमेज के विद रिस्पेक्ट उतना मैग्नीफिकेशन तो नहीं दिखेगी क्योंकि इसका डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो गया। दोबारा बोल जरा, मेरे को समझ नहीं आ रही, उतना क्यों नहीं दिखेगा, दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा। नहीं सर मैं ऐसे कह रहा हूँ, जैसे मान लो मतलब लेंस ने कुछ x टाइम्स मैग्नीफाई किया इमेज को, तो मैं x टाइम्स कुछ कमी मैग्नीफिकेशन दिखेगी। क्यों? क्योंकि सर इमेज पीछे भी तो चलेगी, तो उस हिसाब से एंगल फिर कम नहीं हो जाएगा। ओ एंगल, मैंने स्टार्ट कहां से किया था, एंगल से किया था, कहां से किया, एंगल से। अब चाहे जहां मर्जी है, वो पीछे है आगे जहां मर्जी, एंगल तो बड़ा है ना। एंगल पहले सपोज ये एंगल जो बन रहा था पहले 10 डिग्री बन रहा था, अब वो एंगल 20 डिग्री हो गया, तो 2 टाइम्स एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गई बस। समझ रहे हैं बात को? सर जो लेंस ने भी फिर 2 टाइम्स मैग्नीफाई किया होगा। लेंस ने ही किया, और किसने किया है? लेंस ही तो लगाया है, उसी ने तो किया है। ठीक है सर, ठीक है। तो दिस इज आई विद, सॉरी आई विद अनएडेड आई, क्या लिख दिया मैंने, दिस इज अनएडेड आई, एंड दिस इज आई विद द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, हमने ये समझा कि एंगल मैग्नीफाई हो रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड दिखेगा, राइट? तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन, दिस इज नोन एज एंगुलर मैग्नीफिकेशन। जो अभी तक हमने मैग्नीफिकेशन किया था दैट वाज लीनियर मैग्नीफिकेशन, उसका नाम क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, राइट? तो इसका थोड़ा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, तो एंगुलर मैग्नीफिकेशन लिख के आज का टॉपिक हम बंद करते हैं, बाकी फिर कल कंटिन्यू करेंगे। सर जो इस केस में एंगुलर मैग्नीफिकेशन है वो लीनियर मैग्नीफिकेशन के बराबर होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अब इसे मैं यही पूछ रहा हूँ, कम होगी कि ज्यादा होगी उससे? भाई वो कंपेयर करके वैल्यूज डाल के देख लेना। ठीक है सर। एंगुलर मैग्नीफिकेशन, इट इज दी रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय दिस इज एक्चुअली विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, the ratio of the visual angle subtended by the object with the help of microscope is the ratio to the maximum visual angle subtended by the object for clear vision
when eye is unaided. ठीक है, that is magnifying power. इसका नाम दूसरा नाम magnifying power भी होता है. ये वो वाली पावर नहीं है जो हमने अभी पढ़ी है. दिस इज मैग्नीफाइंग पावर व्हिच इज इक्वल टू थीटा अपॉन थीटा नॉट. दिस इज विजुअल एंगल विद माइक्रोस्कोप डिवाइडेड बाय विजुअल एंगल विदाउट माइक्रोस्कोप. लेकिन मैक्सिमम, अब विदाउट माइक्रोस्कोप तो जितना मर्जी हो सकता है, मैक्सिमम कब होगा एंगल विदाउट माइक्रोस्कोप? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखेंगे? 25 सेंटीमीटर पे. 25 सेंटीमीटर पे. बस ये पॉइंट लिख लो इसमें कि थीटा नॉट दैट इज विजुअल एंगल विदाउट माइक्रोस्कोप इज मैक्सिमम व्हेन object is placed at distance at least distance of distinct vision. Distinct vision. Iska symbol hota hai capital D. Which is 25 centimeter. ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे हम क्लास को, इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस करेंगे और इसके बाद दो एक और माइक्रोस्कोप करेंगे. आज के लिए इतना ही. गुड बाय. सर ह्यूमन आई सिलेबस में डिलीट हो गया? हाँ. ओके सर. वो आता ही नहीं एक्चुअली. वो एक्चुअली इस साल भी नहीं है, वो आता ही नहीं अब काफी साल हो गए. ओके सर. ओके सर, एक डाउट है. हाँ भाई बोलो.